वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल्स एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, सो फर्स्ट लेट अस स्टडी द क्वांटम नंबर्स। Quantum numbers are required to describe the distribution of electron density in an atom. Atom में जो electrons होते हैं उनका distribution किस तरीके से होता है, that is represented by this quantum numbers. So there are three quantum numbers necessary to describe the atomic orbitals. वैसे तो चार quantum numbers होते हैं, लेकिन उसमें तीन quantum numbers जो होते हैं which are necessary to describe the atomic orbitals. Atomic orbitals को describe करने के लिए three quantum numbers use किए जाते हैं। उसमें है first है principal quantum number, जिसको हम n से represent करते हैं, that designates the size of the orbital. Second one is angular momentum quantum number, or it is called as the orbital quantum number, which is represented by small l, and it describes the shape of the orbital. Third one is the magnetic quantum number, which is represented by ML, and it specifies the orientation. Okay, so let us study in detail about this. First, let us study the principal quantum number. The principal quantum number designates the size of the orbital. Principal quantum number से simply हमें orbital का size जो होता है वो पता चलता है. Okay. तो अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू लार्जर होती है, इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्बिटल जो है उसका साइज लार्जर होगा. सो एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑर्बिटल. ओके, सो अलाउड वैल्यूज ऑफ एन आर 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इंटीजर वैल्यूज होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन वो इंक्रीज होती है. ओके, सो सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स विद द सेम वैल्यूज ऑफ एन is called as the it's frequently called as a shape. ऐसे orbitals की जिनके लिए n की value same होती है उसको हम shell बोलते हैं. Okay, so this is about the principal quantum number. Now let us say the orbital quantum number. It describes the shape of the orbital. The values of l are integer that depends on the value of principal quantum number. ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है. ओके, और ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल जो है वो रिप्रेजेंट करता है. तो अलाउड वैल्यू जो है एल की, दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1. सपोज एन की वैल्यू 3 हो गई, 3 दी गई है, तो उस वक्त हम एल की वैल्यू ले सकते हैं, दैट इज 0 to n-1, मीन्स n-1 इज 2. सो 0 to 2 मतलब वैल्यूज हो गई 0, 1, 2. ओके, लाइक दिस वन. सो लेट अस एग्जांपल वहाँ पे दिया है, इफ़ एन इज इक्वल टू 2 यू कैन टेक एल इज इक्वल टू 0 and 1. ओके, सो अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो वहाँ पे जो सबशेल, अब अ कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, उसके पहले हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स विद द सेम वैल्यूज ऑफ एन एंड एल रेफर्ड टू एज अ सबशेल. जैसे एन की वैल्यू अगर सेम होती है तो उसको हम शेल बोलते हैं, अगर एन एंड एल दोनों की वैल्यू सेम होती है तो उसको हम सबशेल बोलते हैं. ओके, सो इफ एस इज इक्वल टू 0 है, सॉरी एल इज इक्वल टू 0 है, तो वो एस सबशेल रिप्रेजेंट करता है. इफ एल इज इक्वल टू 1 होता है तो वो पी सबशेल रिप्रेजेंट करता है. इफ एल इज इक्वल टू 2 होता है तो वो डी सबशेल रिप्रेजेंट करता है, और अगर 3 होगी तो वो एफ सबशेल रिप्रेजेंट करेगा. ओके, दिस इज अबाउट द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. नाउ लेट अस सी द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट इन स्पेस. इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन ऑर्बिट में किस तरीके से हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. द वैल्यूज ऑफ ML आर इंटीजर दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, सॉरी. ओके, सो n जो होता है उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, और l जो होता है वो डिपेंडेंट ऑन
एल मीन्स ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दैट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 टू एन माइनस 1 में होती है और 0 टू एन माइनस 1 रेंज में होती है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल. सो दीज क्वांटम नंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो ML की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट रेंजेस फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल. ओके, तो इसके लिए अगर सपोज हमारे पास n की वैल्यू है 1, तो उस वक्त l की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1 सिंपली 0 होगी l की वैल्यू. और उसके लिए l की वैल्यू 0 है तब ML की वैल्यू होगी 0. अगर हमारे पास n की वैल्यू है 2, n इज इक्वल टू 2, एट दैट टाइम l के लिए हमें दो वैल्यूज़ मिलेगी, 0 एंड 1. ओके, तो अगर हम 0 लेते हैं l की वैल्यू तो ML इज इक्वल टू 0 होगा. अगर हम 1 लेते हैं तो ML की वैल्यूज़ होगी माइनस 1, 0 एंड प्लस 1. ओके, ये हो गया. 2 के लिए अगर n की वैल्यू 3 होगी तो हमें L की तीन वैल्यूज़ मिलेंगी, दैट इज़ 0, 1 एंड 2. तो अगर हम फर्स्ट वैल्यू वहाँ पे लेते हैं 0, तो सिंपली ML होगा 0. अगर 1 लेते हैं तो ML होगा माइनस 1, 0 एंड प्लस 1. अगर 2 लेते हैं तो वैल्यू ML की होगी माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2. ओके, अगर n इज इक्वल टू 4 होता है तो L की वैल्यूज़ होंगी 0, 1, 2 और 3. अगर 0 वैल्यू लेते हैं तो ML होगा 0. अगर 1 लेते हैं तो ML होगा माइनस 0, प्लस 1. ओके, अगर 2 लेते हैं तो वो होगा ML की वैल्यू होगी माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1 और प्लस 2. अगर 3 लेते हैं तो ML की वैल्यूज हो जाएंगी माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2 और प्लस 3. इस तरीके से अगर जैसे हमने बोला कि वहाँ पे शेल्स सब शेल्स में वो डिवाइड होता है, तो सपोज क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 होगा तो उस वक्त l इज इक्वल टू 0 होगा, तो सिंपली यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन लाई करेगा. लेकिन अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. एक तो वो l इज इक्वल टू 0 मतलब s सब शेल में होगा, या l इज इक्वल टू 1 मतलब p सब शेल में होगा. अब p सब शेल में उसकी तीन वैल्यूज हो सकती हैं, माइनस 1, 0 एंड प्लस 1 ML की. ओके, अगर n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो l इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, तो s सब शेल, p सब शेल एंड d सब शेल हो सकता है. और ML की वैल्यूज अगर हम लेंगे तो l इज इक्वल टू 0 के लिए होगी 0, l इज इक्वल टू 1 के लिए होगी माइनस 1, 0, प्लस 1 एंड l इज इक्वल टू 2 के लिए होगी माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1 एंड प्लस 2. ओके, सो ऑन. तो इस तरीके से क्वांटम नंबर्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. n क्वांटम नंबर जो है मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इंडिकेट्स द साइज, l दैट इज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर विच इंडिकेट्स द शेप ऑफ द ऑर्बिट, एंड द ML दैट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिट, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट. ओके, एंड दिस क्वांटम नंबर्स डेजिग्नेट दिस शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिट्स. नाउ लेट अस सी अबाउट द इलेक्ट्रॉन फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर. इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज यूज टू स्पेसिफाई द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स. ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपस्पिन है या डाउन स्पिन है वो डिनोट करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर यूज़ किया जाता है. अगर वो क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है तो उसका स्पिन जो होगा वो प्लस हाफ होगा. अगर वो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है तो उसका स्पिन जो होगा वो माइनस हाफ होगा. या अप स्पिन होता है तो प्लस हाफ एंड डाउन स्पिन होता है तो माइनस हाफ. ओके, सो लेट अस समराइज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. That principal quantum numbers defines the size of the orbital. Orbital quantum number defines the shape of the orbital. Magnetic quantum number represents the orientation of electron in the orbit. Okay, and that requires to describe the atomic orbital. और ये जो quantum numbers है ये इस तरीके से represent किए जाते हैं spectral terms में.
ये जो फर्स्ट डिजिट है टू दैट रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस पी इंडिकेट्स द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, अगर पी है तो एल की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी टू, सॉरी वन, जीरो होगा तो एस होगा एंड वन होगा तो पी, ओके. सो दिस पी इंडिकेट्स द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड हियर द एल इज इक्वल टू वन. दिस एक्स रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल. ठीक है, इस तरीके से हम स्पेक्ट्रल टर्म्स जो है वो दिखा सकते हैं. और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो प्लस हाफ या माइनस हाफ वहाँ पे हो सकता है. अब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम देखें तो अगर इलेक्ट्रॉन मतलब एल इज इक्वल टू जीरो होता है तो इलेक्ट्रॉन विल लाइन एस ऑर्बिट और एस सबशेल आर स्पेरिकल, और ये जो एस सबशेल होती हैं दैट आर स्पेरिकल इन शेप बट डिफर इन साइज, और साइज कैसे डिपेंड करता है, तो उसका जो साइज है तो 1s विल बी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 2s एंड 2s विल बी लेस देन 3s, मतलब 3s का साइज जो होगा वो 2s एंड 1s से ऑब्वियसली बड़ा होगा. इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 2s, दिस 2 इंडिकेट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि साइज जो है ऑर्बिटल का वो इंक्रीज होता है, और इस केस में ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है एल इज इक्वल टू जीरो होगा, सो दैट हैविंग द स्पेरिकल शेप एंड दैट ओरिएंट्स इन ओनली वन डायरेक्शन. अब अगर पी ऑर्बिटल लेते हैं तो पी ऑर्बिटल के लिए एल मतलब एल इज इक्वल टू वन होगा तो दैट विल लाइन पी ऑर्बिट, और पी ऑर्बिट के बारे में अगर हम देखें तो एम एल की वैल्यू जो है वो 3 होती है, और दैट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन इन 3 डायरेक्शंस, दैट इज सॉरी तो पी एल के लिए 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल ओरिएंटेशन एम एल की वजह से होती है, प्लस 1 0 एंड माइनस 1, तो इस तरीके से 3 ओरिएंटेशन हम पी ऑर्बिट में देख सकते हैं. उसी तरीके से अगर एल इज इक्वल टू 2 होता है तो दैट विल लाइन डी ऑर्बिट, और डी ऑर्बिट के लिए एम एल की वैल्यू जो होती है वो 5 होती है, तो इस तरीके से 5 ओरिएंटेशन हमें वहाँ पर दिखाई देंगे डी ऑर्बिट के लिए. अब देखते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम क्वांटम नंबर. सभी उसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि सपोज वहाँ पे 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब क्या है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक अप स्पिन होगा एक डाउन स्पिन होगा. ओके, तो उसमें अगर हम क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1. ओके, देन एस ऑर्बिट में है सो एल इज इक्वल टू 0. देन एम एल की अगर वैल्यू हम वहाँ पे लेते हैं एल इज इक्वल टू 0 है सो एम एल इज इक्वल टू 0. एंड स्पिन अगर हम देखें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ये रेड वाले का तो वो होगा अप स्पिन है इसलिए प्लस हाफ, और अगर ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो दोनों ही 1s ऑर्बिट में हैं सबशेल में हैं, लेकिन अगर वो डाउन स्पिन वाले के लिए हम देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, एंगुलर क्वांटम नंबर सॉरी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है वो 0 होगा, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 0, बट फोर्थ क्वांटम नंबर इज माइनस हाफ, मतलब एक ही सबशेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से तो उनका अगर 3 क्वांटम नंबर भी सेम होते हैं तब भी उसका जो लास्ट क्वांटम नंबर होगा दैट विल बी डिफरेंट, और इसकी वजह से 2 कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होते हैं, दैट इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ओके, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू.